ये तीसरा गियर है, ठीक है, ये देखो तीसरा गियर है, ये देखो दोस्तों 119 लीटर डीजल डाला है। ये देखो दोस्तों ये अभी की रीडिंग है। सत श्री अकाल, क्या हाल चाल दोस्तों। सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजू ग्रेटर ऑपरेटर में। दोस्तों एक वीडियो के नीचे एक भाई का कमेंट आता है कि भाई जो आपका जो ग्रेडर है ये घंटे का कितना डीजल खाता है, ठीक है, कितनी एवरेज है इसकी, क्योंकि बड़ा ग्रेडर है, तकरीबन 250 HP का इंजन है, 245 हॉर्स पावर इसका इसकी है, 245 हॉर्स पावर का इंजन है इसका। तो दोस्तों अभी मैंने कल डीजल टैंक जो फुल करवाया था, रोज़ फुल होता डीजल टैंक, तो मैंने रीडिंग नोट कर ली थी, तो अभी मैं देखूंगा इसमें पूरे उसी टाइम में सिर्फ आधा घंटे डीजल पहले डल रहा है, ठीक है, तकरीबन वही टाइम है उसी टाइम डीजल डल रहा है, बाकी रीडिंग मैं आपको बता दूंगा कितनी पहले थी और कितनी डीजल डालने के बाद है, ठीक है, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखो दोस्तों 119 लीटर डीजल डाला है, 119, ठीक है, अब आपको पूरी एवरेज निकाल के दिखाऊंगा मैं कितनी है। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आप ग्रेडर की मीटर की रीडिंग चेक करें। जब दोस्तों मैंने कल डीजल टैंक फुल करवाया था तो इसकी जो मीटर की रीडिंग थी 67.8 थी, और जब दोबारा मैंने आज इसका डीजल टैंक फुल करवाया है तो इसकी जो मीटर की रीडिंग है 76.8 है। तो अगर रीडिंग के हिसाब से देखा जाए तो मशीन पूरे 9 घंटे चली है। अगर दोस्तों 9 घंटे में जो मशीन में दोबारा टैंक फुल हुआ है वो 119 लीटर में टैंक फुल हुआ है, 119 लीटर डीजल डला इसमें, वो भी आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। बाकी दोस्तों अगर इसकी एवरेज निकाली जाए 9 घंटे में 119 लीटर डला है, तो एक घंटे की एवरेज निकली है इसकी दोस्तों 13 लीटर पर घंटे की एवरेज। जो दोस्तों मैंने कल काम किया था वो भी इतना लूज काम नहीं था, स्लोप का काम किया था, कम से कम 6 घंटे मैंने स्लोप का काम किया था, तो तीसरे गियर में ग्रेडर तकरीबन चला उसमें, ठीक है, फुल एक्सीलेटर में चला ग्रेडर। तो बाकी दोस्तों जो इसकी इंजन की हॉर्स पावर है, इंजन की HP है, ठीक है, वो है 245 VHP। दोस्तों इसकी इंजन की VHP के हिसाब से जो इसने एवरेज निकाली है ग्रेडर ने, बहुत अच्छी एवरेज निकाली है, क्योंकि जैसे हम इंडिया में ग्रेडर चलाते थे पहले 120 H मैंने चलाया है कैटरपिलर का, और 120 K भी चलाया है, तो वो ग्रेडर कम से कम भी 13 से ऊपर एवरेज निकाल देते हैं, जैसे हार्ड काम हो, डंपिंग तोड़नी हो, ठीक है, हार्ड कटिंग करनी हो, तो उसमें 13 लीटर से ऊपर एवरेज निकाल देते हैं एक घंटे की, ठीक है, अगर हल्का फुल्का काम करें तो 10-11 की एवरेज देते हैं वो वाले ग्रेडर। बाकी दोस्तों उन ग्रेडरों की VHP 145 है, जो 120K है, 120K2 भी है, ठीक है, 145 हॉर्स पावर है, और इसकी हॉर्स पावर है 245 हॉर्स पावर, ठीक है, इसकी जो हॉर्स पावर है उन ग्रेडरों से सीधी 100 HP ज़्यादा है, ठीक है। अगर कंपैरिजन किया जाए ना दोनों का तो काम में हर मामले में बढ़िया है, ठीक है, डीजल भी तकरीबन उनके बराबर ही खाता है, बराबर मान लो, कम भी खा सकता ग्रेडर डीजल, वो अपने आप पर, जैसे आप कैसे चलाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी दोस्तों VHP 100 VHP बहुत होती है, ठीक है, जो ट्रैक्टर आते हैं ना जैसे 855 है या 60 VHP के आते हैं, या ट्रैक्टर 50 या 55 VHP के आते हैं, वो भी ट्रैक्टर बहुत पावर प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों 100 VHP ज़्यादा होने के साथ ग्रेडर ने डीजल बहुत कम खाया। अगर ऐसा ही ग्रेडर इंडिया में किसी ठेकेदार के पास हो ना, या किसी कंपनी में हो बड़ा ग्रेडर, तो बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि डीजल कम खाएगा और काम ज़्यादा करेगा ये ग्रेडर। अगर ज़्यादा खींच के चलाओ तो 14 भी खा लिया ना इसने डीजल एक घंटे का, तो कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं इसका जो टॉर्क है ग्रेडर का बहुत ज़्यादा है, जो वो छोटे ग्रेडर हैं उनका टॉर्क इतना नहीं होता, कम टॉर्क होने की वजह से उनको ज़्यादा एक्सीलेटर करना पड़ता है, ज़्यादा रेस देनी पड़ती है उनकी, ठीक है, जैसे डंपिंग तोड़नी है तो उसमें ग्रेडर वो डीजल ज़्यादा खा जाते हैं छोटे ग्रेडर हैं। बाकी इसका जो टॉर्क है उसका मैं आपको लाभ दिखाऊंगा, क्योंकि एक ब्लेड मारूंगा मैं बिना एक्सीलेटर दिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा वो कितना मटेरियल लेके जा रहा है एक ब्लेड में बिना एक्सीलेटर दिए तीसरे गियर में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये तीसरा गियर है, ठीक है, ये देखो तीसरा गियर है, और ब्लेड के आगे मटेरियल देखो बिना एक्सीलेटर दिए, ये देखो बिल्कुल फ्री चल रही है मशीन, कोई फ़र्क नहीं है इसको, ये देखो। अगर इतना ही मटेरियल 120K ने या K2 ने लेके जाना हो ना तो जान निकल जाएगी उसकी।
हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी इस ग्रेटर के बारे में? दोस्तों बहुत बढ़िया मशीन है जी, कटरबिलर 14 इंच। जो भी भाई अरब कंट्री में रहे हैं ना, उन्होंने किसी ने तो चलाया होगा ग्रेटर ऑपरेटर की जॉब में। तो दोस्तों बहुत बढ़िया मशीन है, पावर के मामले में कोई कमी नहीं इस ग्रेटर में, और जितनी पावर है, जितनी इसकी इंजन की हॉर्स पावर है, उसके हिसाब से डीजल बहुत कम खाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस ग्रेटर के बारे में जो जानकारी दी है उसमें कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट लगा होगा। बाकी दोस्तों ऐसे ही मैं कनेक्ट डालता रहूँगा, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाने से पहले एक बार ज़रूर बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। बाकी मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत, खुश रहें।